चाहे नासा के स्पेस क्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो। हिस्ट्री में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तब आता है जब हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम तौर पे ट्रांसपोर्ट की जाती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर्स पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम्स मौजूद हैं। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को आखिर सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों था? लाखों केजी वजनी ये होटल कैसे अपनी मजबूत फाउंडेशन से अलग किया गया और कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, कैलिफोर्निया के शहर सैन होजे में वाके ये होटल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन से चंद साल पहले सैन होजे में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जाहिर है, जहाँ चहल पहल ज्यादा होने लगती है वहीं ये अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते और T.S. मॉन्टगोमरी ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने यहाँ जमीन खरीद कर उस पर एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवा दिया जिसका नाम होटल मॉन्टगोमरी रख दिया गया। ये अपने दौर का लग्जरी तरीन और काफी ज्यादा मॉडर्न होटल हुआ करता था जिसको उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करके बनाया गया था। वो तमाम फैसिलिटीज जो आज हर घर में मौजूद हैं वो पहली बार मॉन्टगोमरी होटल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसा कि ब्लोअर फैंस, प्राइवेट बाथटब्स, हर रूम के लिए प्राइवेट टेलीफोन लाइन और हर फ्लोर पर ईजी एक्सेस के लिए एलिवेटर्स भी। ना सिर्फ इतना बल्कि मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट ने एक बस सर्विस भी स्टार्ट की जो रेलवे स्टेशन और होटल के दरमियान कस्टमर्स को फ्री सर्विस दिया करती थी। मान लें कि ये उस दौर का 5-स्टार होटल हुआ करता था और यही वजह थी कि ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, इतना फेमस कि ये सैन होजे सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन ब दिन मजीद सक्सेसफुल होता गया। अगले 50 साल यानी 1920s से लेकर 1960s तक का पूरा पीरियड इस होटल का गोल्डन पीरियड माना जाता है, लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई मॉन्टगोमरी के बुरे दिनों की। जी हाँ, 1960s के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सैन होजे में धड़ाधड़ नए होटल्स बनना शुरू हो गए और उन नए होटल्स के सामने मॉन्टगोमरी की कंस्ट्रक्शन काफी ओल्ड स्टाइल लगती थी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स का ये कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका था कि इसमें मॉन्टगोमरी का सरवाइव करना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कस्टमर्स इस पुराने होटल की जगह अब नए होटल्स को ज्यादा प्रेफर करते थे। यही वो वक्त था जब मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट ने आखिरकार होटल बंद करने का फैसला कर लिया। कंपटीशन की ये रेस अब इतनी बढ़ चुकी थी कि 1980s और 1990s के बाद सैन होजे डाउनटाउन में नए होटल्स बनने की कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर्स की डिमांड थी जो किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। 1990s में जहां मॉन्टगोमरी होटल किसी वीरान हवेली का मंजर पेश करता था, वहीं इसके बराबर में दूसरे 5-स्टार मॉडर्न होटल्स कस्टमर्स की चहल पहल से गूंज रहे होते थे। मॉन्टगोमरी के बराबर में होटल फेयरमॉन्ट मौजूद था जिसमें 535 रूम्स मौजूद थे। इतने ज्यादा रूम्स होने के बावजूद भी ये होटल हर वक्त ओवर बुक्ड रहता था और यही वजह थी कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने की बेहद जरूरत थी। लेकिन इनका बैड लक ये था कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए थी और ये जगह ही इनके पास नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो मॉन्टगोमरी की खाली बिल्डिंग खरीद लें और फिर उसको डिमोलिश करके यहाँ फेयरमॉन्ट होटल का दूसरा पोर्शन बनाएं। फेयरमॉन्ट के इस प्लान से इनके होटल में मजीद 400 रूम्स की एडिशन होने जा रही थी, लिहाजा 1998 में उन्होंने मॉन्टगोमरी होटल की बिल्डिंग खरीद ली और उसको डिमोलिश करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई तो शहर के कई लोगों ने मॉन्टगोमरी की डिमोलिशन के खिलाफ एतराज किया। लोगों का मानना था कि मॉन्टगोमरी भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन ये सैन होजे सिटी की पहचान है और जो लोग अपने पास्ट को तबाह कर देते हैं उनका फ्यूचर भला कैसे अच्छा हो सकता है। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे और ये एक बहुत अच्छा मौका था लोगों में फेमस होने का।
रॉन गोंजालेस जो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े थे, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में सैन होजे की कम्युनिटी के साथ एक वादा किया कि अगर वो मेयर बने तो वो किसी भी सूरत मॉन्टगोमरी होटल को डिमोलिश नहीं होने देंगे। रॉन गोंजालेस इलेक्शन जीतकर सैन होजे के मेयर तो बन गए, लेकिन अब उनकी बारी थी अपना वादा पूरा करने की। एक तरफ फेयर मॉन्ट होटल की एक्सपेंशन का सवाल था तो दूसरी तरफ शहर की कदीम बिल्डिंग को बचाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मेयर ने इस बारे में कई एक्सपर्ट से सलाह मशवरे किए, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आर्किटेक्ट्स की एक टीम ने मशवरा दिया कि क्यों ना होटल मॉन्टगोमरी को यहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। पहले तो ये आइडिया किसी जोक से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन मेयर को ये आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए $12.5 million यानी तकरीबन 93 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवाया और साथ ही एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई। जब एस्टीमेट लगाया गया तो मालूम पड़ा कि इस बिल्डिंग का वजन कम से कम भी 4,500 टन से भी ज्यादा है, यानी ये वजन 25 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट या फिर 750 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। इतना ज्यादा वजन उठाना तो एक अलग मैटर था, लेकिन बिल्डिंग को सही सलामत अपनी फाउंडेशन से अलग करके किसी और जगह लेकर जाना एक ऐसा टास्क था जो हिस्ट्री में पहली बार किया जा रहा था। इन सब मसलों के अलावा एक और मसला भी था, और वो ये था कि आखिर बिल्डिंग यहाँ से निकाल कर रखी कहाँ जाएगी। सैन होजे रीडेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक गवर्नमेंट का ही इदारा है, उनके पास एक ज़मीन खाली पड़ी थी और खुशकिस्मती से ये जगह मॉन्टगोमरी होटल से सिर्फ 180 फीट दूर मौजूद थी। अब ये फैसला तो हो चुका था कि मॉन्टगोमरी को अपनी लोकेशन से सिर्फ 180 फीट दूर खिसकाना है, लेकिन चैलेंज ये था कि इस दौरान ना ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो और ना ही इसकी डेकोरेशन को। साल 2000 में इस इम्पॉसिबल टास्क पर आखिरकार काम स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले बिल्डिंग पे डेकोरेशन के लिए लगाई गई फैंसी फॉल सीलिंग को बड़ी महारत और एहतियात से निकाल कर प्रिजर्व किया गया। हिस्टोरिक मोज़ेक टाइल्स, जिसमें मॉन्टगोमरी का नाम भी लिखा हुआ था, उसको स्क्वायर्स में ऐसे काटा गया कि उनको थोड़ा भी नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ उस दौर में किया गया सारा वुड वर्क भी अपनी असली हालत में प्रिजर्व किया गया। जब एंटीक्स को प्रिजर्व करने का काम कंप्लीट हो गया तो अब बारी थी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह रिसर्च करने की। इस रिसर्च में बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स का हेल्थ चेक किया गया, उनकी एक्यूरेट साइज ली गई और साथ में बिल्डिंग के नीचे मौजूद गैस पाइपलाइंस को भी ढूंढ कर रिमूव किया गया। सारा रिसर्च वर्क मुकम्मल होने के बाद एक्सपर्ट्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो शायद उनकी जिंदगी का पहला चैलेंज था। नॉर्मली किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले फाउंडेशन डाली जाती है और फिर उस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर पहले से तैयार था जबकि फाउंडेशन बनानी थी। चैलेंज ये था कि ये फाउंडेशन पुरानी बिल्डिंग के कॉलम्स यानी पिलर्स के हिसाब से बनाई जाए। इस नई फाउंडेशन को बनाने में 1 मिलीमीटर की भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, लिहाजा एक्यूरेट साइज लेने के बाद ही न्यू लोकेशन पर स्पेशल फाउंडेशन तैयार की गई। मॉन्टगोमरी होटल हिस्ट्री की वो वाहिद बिल्डिंग होने जा रही थी जिसको प्रैक्टिकली नई लोकेशन पर मूव किया जा रहा था। प्रिजर्वेशन का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, रिसर्च वर्क और नई फाउंडेशन का काम भी पूरी तरह कंप्लीट था। अब बारी थी उसी लम्हे की जिसका सबको इंतजार था। 4,500 टन वजनी स्ट्रक्चर को उठाने के लिए 8 स्पेशल कंप्यूटराइज्ड जैक्स मंगाए गए, जिनके नीचे व्हील्स भी लगे थे। इन जैक्स को बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे लगाया गया और फिर बिल्डिंग का 80% लोड इन जैक्स पर डाला गया। जब जैक्स बिल्डिंग का ज्यादातर वजन उठाने में कामयाब हो गए तो फिर एक एक करके स्ट्रक्चर के तमाम पिलर्स को काट दिया गया। यही वो पॉइंट था जब बिल्डिंग का 100% लोड जैक्स पे आ चुका था, यानी अब बिल्डिंग अपनी पुरानी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये मंजर देखने के लिए आधा शहर मौके पर मौजूद था और बकाया टेलीविजन पर यह हैरतअंगेज मंजर देख रहा था। जैक्स पर खड़ी बिल्डिंग को अब बड़ी एहतियात से मूव करने का अमल शुरू कर दिया गया। Negative,
पूरे 15 मिनटों के बाद बिल्डिंग अपनी नई लोकेशन पे हिफाजत के साथ पहुंच चुकी थी। ये खबर मिलते ही पूरा डाउनटाउन तालियों और होटिंग से गूंज उठा। अगले 2 सालों तक होटल मॉन्टगोमरी की रेनोवेशन का काम चलता रहा और फिर 2002 में फाइनली इसको रीलॉन्च किया गया। इसकी रेनोवेशन और ट्रांसपोर्ट में टोटल $26 मिलियन यानी 195 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज भी होटल मॉन्टगोमरी सैन होजे में 4 पॉइंट्स होटल के नाम से ऑपरेशनल है और इसको दुनिया की बेस्ट होटल मैनेजमेंट मैरियट इंटरनेशनल मैनेज कर रही है। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।